आज माघी पूर्णिमा है। आज ही के दिन 1398 ईस्वी में धर्म की नगरी काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था। रविदास जी को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता पिता चर्मकार थे। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पैतृक कार्य को अपनाया, लेकिन इनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म से पुण्य से ऐसी रची बसी थी कि आजीविका को धन कमाने के साधन बनाने के बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया। संत और फकीर जो भी इनके द्वार पर आ जाते उनसे बिना पैसा लिए अपने हाथों से बने जूते पहनाते। इनके इस स्वभाव के कारण घर का खर्चा चलाना कठिन हो रहा था, इसलिए इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर अलग रहने के लिए जमीन दे दिया। जमीन के छोटे से टुकड़े में रविदास जी ने एक कुटिया बना लिया। जूते बनाकर जो कमाई होती उससे संतों की सेवा करते, इसके बाद जो कुछ बच जाता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन एक ब्राह्मण इनके द्वार आए और कहा कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं, एक जूता चाहिए। इन्होंने बिना पैसे लिए ब्राह्मण को जूता दे दिया। इसके बाद एक सुपारी ब्राह्मण को देकर कहे कि इसे मेरी ओर से गंगा मैया को दान दे देना। ब्राह्मण रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी लेकर गंगा स्नान करने चल पड़ा। गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा की और जब चलने लगा तो अनमने मन से रविदास जी की दिया गया सुपारी गंगा में उछाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ, गंगा मैया प्रकट हो गई और रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी अपने हाथ में ले लिया। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इसे ले जाकर रविदास को दे देना। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रविदास जी के पास आया और बोला कि आज तक गंगा मैया की पूजा मैंने की, लेकिन गंगा मैया के दर्शन कभी प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आपकी भक्ति का प्रताप ऐसा है कि गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर आपकी दी हुई सुपारी को स्वीकार किया और आपको सोने का कंगन दिया है। आपकी कृपा से मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हुए। इस बात की खबर पूरे काशी में फैल गई और रविदास जी के विरोधियों ने इसे पाखंड बताया और कहा कि अगर रविदास जी सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाएं। विरोधियों के कटु वचन को सुनकर रविदास जी भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगे। रविदास जी चमड़ा साफ करने के लिए एक बर्तन में जल भरकर रखते थे। इस बर्तन में रखे जल में मैया गंगा प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट किया। रविदास जी के विरोधियों का सिर नीचा हुआ और संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी। इसी समय से एक दोहा बड़ा फेमस हुआ, मन चंगा तो कठौती में गंगा।